ऑलराइट जी, वेलकम बैक टू द व्लॉग्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इस कैलगरी बिकमिंग द न्यूट्रोनो। तो रिसेंटली काफी ज्यादा मास माइग्रेशन देखने को मिल रहा है अल्बर्टा में, तो इस सबका जॉब अपॉर्चुनिटीज पे, रेंटल मार्केट में, इन शॉर्ट आपके और मेरे जैसे कॉमन इंसान की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ पे क्या फर्क आने वाला है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट विद मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार, इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आपको बता दूं कि इन 2022 अबाउट 150,000 पीपल मूव्ड इनटू अल्बर्टा, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल एंड इंटरप्रोविंशियल माइग्रेशन। ठीक है, इतने ज़्यादा लोग आ गए हैं एंड थैंक्स टू ऑल द यूट्यूबर्स लाइक मी जिन्होंने कैलगरी को या अल्बर्टा को इन शॉर्ट काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। एंड अल्बर्टा इज कॉलिंग करके यहाँ की सरकार ने कैंपेन चलाया था जिसको लेते हुए कि भाई अल्बर्टा के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स गिनाए गए एंड अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली मूव्ड इनटू अल्बर्टा इन 2022 एंड इन 2023 एज वेल। जो फर्स्ट क्वार्टर के यहाँ पे नंबर्स आए हैं, अबाउट 50,000 पीपल हैव ऑलरेडी मूव्ड इनटू अल्बर्टा। ठीक है, क्वार्टर में भाई सिर्फ 3 महीने आते हैं और 3 महीने में 50,000 पीपल यानी कि अबाउट 15-16,000 लोग हर महीने यहाँ पे मूव हो रहे हैं, जो कि बिजनेसेस के लिए तो काफी अच्छा और गवर्नमेंट्स के लिए भी काफी अच्छा है, क्योंकि गवर्नमेंट को मिलेंगे ज्यादा टैक्स पेयर यानी कि ज्यादा टैक्स मनी, जिससे कि वो सिटी की या ब्लू प्रोविंस वाइड यू नो डेवलपमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। लेकिन जो बिजनेसेस होंगे उन्हें भी ज्यादा कंज्यूमर्स मिलेंगे, ज्यादा कंज्यूमर स्पेंडिंग मिलेगी, उनको मौका मिलेगा ग्रो करने का, लेकिन इसका इतना ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट नहीं रहता आप और मेरे जैसे लोगों के लिए। और वो कैसे, अभी आगे बात करते हैं। अगर सबसे पहले यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट इफेक्ट देखने को मिलता है यहाँ की रेंटल मार्केट पे। अब जैसे कि मैंने एक वीडियो में मेंशन किया था, अल्बर्टा के अंदर भाई कोई भी रेंट कंट्रोल नहीं है, यानी कि कोई भी इंसान कभी भी कितना भी रेंट बढ़ा सकता है। हो सकता है आप आज 1,000 दे रहे हो, कल को बोले 1,500 दे दो, $2,000 रेंट बढ़ा दें आपका, इट कैन हैपन। हाँ, एक ही लॉ है कि भाई अगर आज आपका रेंट बढ़ा है, अब सीधे 1 साल बाद ही बढ़ेगा, तो 1 साल का पहले नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जब भी बढ़ाएंगे जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी रूल या लॉ आज की डेट में नहीं है। एंड सिंस आई मेंशन कि भाई हर महीने 15,000 से 16,000 लोग अल्बर्टा में मूव हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि भाई इतनी ज्यादा अकोमोडेशन तो यहाँ पे नहीं है, इतनी ज्यादा हाउसिंग मार्केट यहाँ पे यू नो इतनी हाउसिंग कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही है। इवन अगर कंस्ट्रक्शन चलाने भी लग जाए तो इतनी जल्दी घर कंप्लीट नहीं हो सकते जितनी जल्दी यहाँ पे लोग मूव हो रहे हैं। 15,000 लोग एवरी मंथ इनटू एग्जिस्टिंग रेंटल मार्केट इज टू मच। ठीक है, अगर आप यू नो हम कॉमन सिनेरियो लेके चलते हैं, लेट्स से कि यू नो एक रेंटल मार्केट है एग्जिस्टिंग, ठीक है, कैलगरी, एडमिंटन या कहीं की भी, उसके अंदर लोग नॉर्मली मूव आउट होते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह चले गए, ठीक है, यहाँ कहीं पे लीज खत्म हो गया तो सिंपली कहीं और जगह ढूंढ लेंगे, या कोई जगह उनके उनके घर के पास मिलते हैं वो वहाँ चले जाएंगे। किसी ने घर खरीद लिया, किसी ने प्रोविंस छोड़नी है, किसी ने कंट्री छोड़नी है, छोटे छोटे मूव आउट होते रहते हैं, लोग इधर से उधर होते रहते हैं। लेकिन अचानक से जब 10-15,000 लोग उसी सिटी में और आ जाए ना, तो भाई रेंटल मार्केट क्रेजी हो जाता है, स्पेशली अल्बर्टा में जहाँ की रेंट कंट्रोल नहीं है। तो वहाँ पे सिनेरियो फिर ये हो जाता है कि जहाँ पे 1,000-2,000 लोग यू नो मंथ में इतनी मूविंग्स वगैरह कर रहे थे, नई प्रॉपर्टीज देख रहे थे, उसमें 10,000 लोग और देख रहे हैं प्रॉपर्टीज, तो वहाँ पे काफ़ी बड़ी टेंशन क्रिएट हो जाती है। और लाइक ए साइड भी कंस्ट्रक्शन में तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि पहले आप डेवलपमेंट प्लान इंट्रोड्यूस करते हैं कोई, ठीक है, फिर वो डेवलपमेंट प्लान मतलब अप्रूव होता है, उसके बाद परमिट इशूज होते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन शुरू होती है, फिर उसके बाद जो भी यू नो किसको भी बेचना है या फिर कोई रेंटल कंपनी उसे बनवा रही है, फिर उसके बाद अगर लिस्ट होते हैं तो सालों की प्रोसेस है, या महीने या हफ्तों के अंदर तो कंप्लीट नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसकी वजह से रेंटल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आता है। और मैंने अपनी एक वीडियो में ये भी मेंशन किया था कि भाई आई रेंटेड दिस अपार्टमेंट फॉर $1,000 in 2022 March and आज की डेट में सेम अपार्टमेंट इज लिस्टेड फॉर $1,700 to $1,800 एंड डज नॉट इंक्लूड योर पार्किंग, योर यूटिलिटीज, योर वाईफाई, योर लॉन्ड्री, नथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस रेंट। ठीक है, तो रेंटल मार्केट डेफिनेटली बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है। और आज मेरे को एक दोस्त का कॉल आया था जो कि यहीं कैलगरी रहते हैं, जिन्होंने पिछले साल यहाँ पे 1 bedroom बेसमेंट यू नो रेंट की थी अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए, एंड ही मेंशन कि भाई उनका लैंडलॉर्ड चाह रहा है कि अब वो यहाँ से मूव आउट हो जाए, क्योंकि अब उन्हें रेंट इंक्रीज करना है। कितना करना है? $1,000 से उठा के सीधे $1,500 a month। तो आप देख सकते हो कितने ज्यादा यहाँ पे यू नो लुफ्त उठाया जा रहा है कि यहाँ पे कोई रूल लॉ नहीं है, तो लैंडलॉर्ड कह रहे हैं भाई जितना आता है आ दो। हो सकता है भाई कई लोग मॉर्गेजेस चल रहे हैं उनका 4-5-6% आ गया, तो इसलिए वो बढ़ा रहे हैं, बट टू बी ऑनेस्ट इट शुड नॉट बी प्रॉब्लम ऑफ द रेंटर। ठीक है, जो भी बंदा टेनेंट है उसकी प्रॉब्लम थोड़ी है मॉर्गेज किसी के पे करना, वो तो लैंडलॉर्ड जाने उसका काम जाने, ये टेनेंट पे नहीं आना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली कनाडा में जितनी भी हाउसिंग मार्केट है ना, मोस्ट लाइकली ऐसा ही होता है। भाई अगर आप यू नो मान लीजिए कि यहाँ पे अल्बर्टा में कोई नहीं है, ठीक है, उन्होंने नई रूल वगैरह लगाया कि भाई आपको कितनी तक आप बढ़ा सकते हो, तो वो अब क्या करेंगे भाई, वो सीधे के सीधे अगले साल अगर उनकी 5% आज चल रही है, लेट से अगले साल 5% से 2% गिर गई, तो आपको लगता है कि वो रेंट कम करने वाले? नहीं, वो रेंट और बढ़ा देंगे, कहेंगे अब अगला साल आ गया, अब हमारे पास दोबारा ऑप्शन है रेंट बढ़ाने का, तो लेट्स हाइक इट अप अगेन 10-20-30%, क्योंकि 30% मेरा बढ़ा था रेंट यहाँ पे इस अपार्टमेंट में, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अनदर 30% हाइक नेक्स्ट ईयर। और आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जी जॉब अपॉर्चुनिटीज की। अब यार जैसे कि मैंने बताया रेंटल मार्केट, सेम गोज फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज एज वेल। ठीक है, अब जो भी बंदा यहाँ पे मूव होगा उसको जॉब तो चाहिए होगी, अनलेस दे हैव अ रिमोट जॉब या फिर उनकी कोई ऐसी जॉब है जिसकी यहाँ पे भी ब्रांच है, दे कैन गेट एन इंटरनल ट्रांसफर, तो उन पर ये चीजें ज्यादा यू नो इफेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो भी बंदे वहां से जॉब छोड़ के आ रहे हैं, लेट्स से टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल या कहीं से भी आ रहे हैं, अब उन्हें यहाँ पे आके चाहिए होगी नई जॉब। अब भाई अगर आप आ रहे हो, आपको पता होना चाहिए आपके साथ साथ 10-15-20,000 लोग हर महीने और आ रहे हैं,
सब लोग एग्जिस्टिंग जॉब मार्केट के अंदर कूदेंगे जॉब लेने के लिए. जस्ट लाइक रेंटल मार्केट, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ऐसे ही रहती है, ये भी ओवरनाइट क्रिएट नहीं होती, इसमें भी टाइम लगता है. हाँ, मतलब जहाँ क्राउड ज़्यादा होगा, जहाँ लोग ज़्यादा होंगे, टैक्स पेड ज़्यादा होंगे, वहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होगी, बट टाइम के साथ. इट्स नॉट गोना हैपन इन वीक्स और मंथ्स. तो अब कैसे रहने वाला है? आप यहाँ पे मूव हो गए, जिस जॉब के लिए पहले 500,000 एप्लीकेंट आ रहे थे, उसके लिए यू नो 10,000 एप्लीकेशन जाने वाले. अगर आप यकीन नहीं करते तो आप लिंक्डइन पे चले जाएं, कैलगरी में यू नो जॉब अपॉर्चुनिटीज चेक कर लें. लिंक्डइन पे तो लिखा भी आता है कितने लोगों ने अप्लाई किया है, तो आपको पता चल जाएगा भाई एक जॉब के पीछे कितनी ज़्यादा मारामारी होने वाली है. इट इज़ नॉट एक्साइटिंग न्यूज़, ठीक है. जो भी लोग यहाँ पे मूव होने वाले हैं विदाउट ए जॉब, आई वुड रिकमेंड यू हैव एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स ऑफ फंड्स, ठीक है. अगर आपको इनकेस जॉब नहीं मिलती है तो आप यू नो अपना खर्चा मनी तो चला सके, आप तंग ना हो जाए बहुत ज़्यादा. जब मैं टोरंटो से यहाँ आया था, मैंने भी ये किया था, बट उस टाइम पे इतना मतलब क्राउड बेसिकली नहीं था. उस टाइम पे तो मतलब मैं मूव हुआ था, लोग कह रहे थे भाई कैलगरी कौन जाता है, अल्बर्टा कौन जाता है. उसके बाद ही जो वेव चली है भाई, सरकार ने मतलब कैंपेन्स चलाए हैं, मैंने वीडियोज़ डाली है, दूसरे क्रिएटर्स ने वीडियोज़ डाली हैं, अल्बर्टा इतना पॉपुलर हो गया कि अब सारे लोग आ रहे हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में भी मारामारी रहने वाली है, इवन एंट्री लेवल जॉब्स. और थैंक्स टू दैट लॉ जिसने कहा कि भाई स्टूडेंट भी यू नो कुछ सर्टेन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कैन वर्क लाइक 40 आवर्स ए वीक फुल टाइम, उसकी वजह से क्या दिक्कत रहने वाली है भाई. जहां दो स्टूडेंट एक जॉब को फुलफिल करते थे, वहां एक ही स्टूडेंट उस जॉब को फुलफिल कर रहा है, अब दूसरा स्टूडेंट जॉब कहां ढूंढे, ठीक है. एंड इट इज नॉट लाइक टोरंटो और वैनकूवर जहां पे यू नो जॉब मार्केट बहुत अच्छी है. इट इज काइंड ऑफ ओके ओके. हाँ, मैं कहूंगा आपको जॉब मिल जाएगी, बट यू नो कंसिडरिंग सो मेनी पीपल आर मूविंग अगेन, उसकी वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत रहने वाली है जॉब ढूंढने में. इट माइट टेक सम टाइम, मे बी 2-3 मंथ्स. तो आप उतना फंड तो एटलीस्ट लेके चले अगर आप अपनी जॉब क्विट करके यहाँ मूव होने वाले. और अब मेरे अगले पॉइंट पर चलते हैं. तो यार अब यहाँ भी ना क्राउड और ट्रैफिक काफ़ी होने लग गया, ठीक है, रश आवर्स होने लग गया. जब मैं यहाँ पे इनिशियली मूव हुआ था, तब मैं यू नो मार्च के महीने में मूव हुआ था 2022 में, तब कोई इक्का दुक्का बंदा सड़क में मिलता था, ठीक है. उस टाइम थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ अभी भी थी, लेकिन आज की डेट में तो भाई कैलगरी में मैं बोलूँगा इतने लोग हो गए हैं, मतलब दिन भर आप किसी भी टाइम पे चले जाए, लोग पैटियोज में बैठे हैं, लोग मॉल्स में घूम रहे हैं, लोग पार्क्स में बैठे हैं, लोग यू नो पहाड़ों में पहुंचे हैं, लोग सड़कों पे निकले हुए हैं भाई. मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, डेफिनेटली देखने को मिलती है, रश आवर्स होने लग गए हैं. अब रश आवर का मतलब बेसिकली होता है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, आपको यू नो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम देखने को मिले कहीं भी पहुंचने के लिए गाड़ी में. अगर आप कहीं भी चल के जा रहे हो तो भी आपको यू नो काफ़ी ज़्यादा क्राउड देखने को मिलने वाला. पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी हालत बुरी हो जाएगी जब यू नो एग्जिस्टिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इतने ज़्यादा लोग आने वाले हैं, क्योंकि कैलगरी इज़ ए बिग सिटी टू बी ऑनेस्ट, ठीक है. इट इज़ बिगर देन टोरंटो, वैनकूवर, मॉन्ट्रियल एनी अदर मेजर कैनेडियन सिटी इन टर्म्स ऑफ लैंड. तो कैलगरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी और खुली और फैली हुई सिटी है. अब इसके अंदर ज़्यादा वेल कनेक्टेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो नहीं है, ठीक है. आई डोंट थिंक इट रन्स 24/7. मुझे लगता है रात में किसी टाइम पे जाके मे बी आफ्टर मिडनाइट बंद हो जाती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो उस टाइम पे तो द ओनली ऑप्शन यू हैव इज ऊबर. लेकिन आगे पीछे जब भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगे तो आपको दिक्कत जरूर आने वाले, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फिर ज़्यादा वेटिंग टाइम्स हो जाएंगे, लाइनअप्स हो जाएंगे. बट हाँ, सरकार टैक्स पेयर्स आने पर वो चीज़ें एक्सटेंड करेगी, लेकिन इट्स नॉट गोना हैपन यू नो एनी टाइम सून, इट विल टेक सम टाइम. लेकिन जो अभी लोग आ रहे हैं उसके बेसिस पे मैं बोलूँगा कि अब रश आवर्स भी होने लग गए हैं, ठीक है. मतलब अगर आपको कहीं जाना, अब आपको ट्रैफिक यूजली देखने को मिलता है दोपहर 3 बजे से लेकर मुझे लगता है शाम 7-8 बजे तक तो ट्रैफिक है गर्मियों के दिनों में. एंड सुबह सुबह भी हम श्योर रहता होगा, लेकिन मेरी जो वर्क फ्रॉम होम है सो मुझे ज़्यादा सुबह का आइडिया नहीं है. दोपहर में मैं बाहर निकलता हूँ शाम में, और उसका मुझे पता है भाई अब ज़्यादा लोग होने लग गए हैं. एंड दिस इज समथिंग दैट आई हेटेड इन टोरंटो भाई, एक ही इंटरसेक्शन पर खड़े खड़े मतलब एक एक घंटा लग जाता था, लोग आगे नहीं बढ़ते थे, गाड़ियाँ आगे नहीं बढ़ती थी, बड़ी दिक्कत होती थी ट्रैफिक में फंस के. एंड कहीं भी चले जाते थे मॉल्स वगैरह में, वहाँ पर भी लाइन अप रहते थे. इमेजिन कि भाई आपका संडे देना है एंड यू डिसाइडेड यू वांट टू बाय न्यू टी शर्ट और पैंट या ऐसा कुछ, अब 2 घंटे आप ट्रैफिक में फंस के जाओगे, फिर जाके वहाँ मॉल में पार्किंग लॉट में पार्किंग ढूंढोगे, फिर अंदर जाओगे पता लगेगा ज़ारा H&M के आगे भी लाइनअप लगा हुआ है भाई, वहाँ भी आधा एक घंटा लगने वाला है. ये बड़ी दिक्कत थी यार, मेरे को बड़ी परेशानी होती थी. अब मुझे लगता है धीरे धीरे ना वो चीज़ें कैलगरी में भी हो जाएंगी. आज की डेट में इतना बुरा हाल नहीं है, लेकिन इट हैज़ डेफिनेटली चेंज देन प्रीवियस ईयर. और आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जी क्राइम रेट की. अब आज की डेट में तो कैलगरी में मैं बोलूँगा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्राइम है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्राइम है जिसकी वजह से आप डर के रहें, ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ अ सेफ सिटी एज ऑफ टुडे, लेकिन यू नो जस्ट जब पॉपुलेशन बढ़ती है, ठीक है, किसी सिटी के अंदर, किसी भी बड़ी ग्रोइंग सिटी के अंदर पॉपुलेशन आएगी, ठीक है, और फिर जब कॉस्ट ऑफ लिविंग ऊपर जाएंगी, बहुत सारे लोग होंगे यू नो जो बेघर हो जाएंगे. आई एम नॉट यू नो टॉकिंग अबाउट यू एंड मी, बट बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रेशर में होते हैं और उनके पास यू नो बेयरली अपना फूड अफोर्ड कर रहे होते हैं, बेयरली दे आर सर्वाइविंग, एंड उनके ऊपर और ज़्यादा फाइनेंशियल प्रेशर आ जाएगा, इंक्लूडिंग रेंटस, इंक्लूडिंग फूड प्राइजेस, इंक्लूडिंग कार इंश्योरेंसेज, ठीक है, जॉब नहीं मिल रही है या जॉब में आवर्स कम कर दिए गए, तो ये सब चीज़ें जब उन्हें फेस करने को मिलेगी, बहुत सारे लोग सड़क पे
आ जाएंगे, एंड उससे होगा क्या भाई, क्राइम रेट बढ़ेगा। जब बहुत सारे लोग सड़क पे आएंगे, उन्हें पता होगा भाई अब देयर्स नो वे दे कैन गो बैक टू द नॉर्मल लाइफ दे वर लिविंग, ठीक है, जहाँ पे वो बेयरली सर्वाइव कर रहे थे, अब वहाँ पे क्राइम रेट बढ़ना शुरू हो जाता है सिटी में। इट इज़ अ फैक्ट, हर एक बड़ी ग्रोइंग सिटी में आपको क्राइम देखने को मिलता है। पॉपुलेशन के साथ, टाइम के साथ वो क्राइम ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं आता है। तो अभी मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कैलगरी में क्राइम बढ़ने वाला है, बट लुकिंग एट ऑल दी अदर फैक्टर्स जो कि इसको इम्पैक्ट करते हैं, मुझे लगता है हो सकता है आने वाले टाइम में यहाँ पे क्राइम रेट थोड़ा सा ऊपर जाए। हालांकि आज की डेट में इट इज़ सेफर देन एडमिंटन, ठीक है, स्टैट्स के हिसाब से, बट फिर भी इट इज़ वन ऑफ द कंसर्न्स जो राइजिंग पॉपुलेशन के साथ हर एक सिटी में देखने को मिलता है। और लास्टली हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अबाउट इमिग्रेशन प्रोग्राम्स। तो यार आज की डेट में ना अल्बर्टा बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन प्रोग्राम्स ऑफर नहीं करता फॉर पीपल हु ग्रेजुएटेड आउटसाइड अल्बर्टा। तो अगर आप अल्बर्टा में स्टूडेंट आ रहे हो तब आपको कोई दिक्कत नहीं, आपकी पीआर हो जाएगी, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसमें, कोई ज़्यादा हाई एंड रिक्वायरमेंट्स नहीं है अल्बर्टा की। लेकिन जो लोग अल्बर्टा से बाहर पढ़ाई करते हैं ना, जैसे टोरंटो, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर में पढ़ाई करते हैं, देन दे फील लाइक कि वहाँ पे पीआर नहीं हो रही, तो यहाँ आ जाएँ तो भाई बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स नहीं है, प्लीज़ सोच समझ के आएँ। बहुत सारे लोग जो आने के बाद कहते हैं कि यार यहाँ पर भी कुछ नहीं होता, अब लर्न करना पड़ेगा, तो भाई वो चीज़ें ज़रूर देख लें। इक्की दुक्की स्ट्रीम्स हैं, अगर आपको उसमें काम बन रहा है तो आ जाए, नहीं बन रहा तो भाई प्लीज़ ऐसा मूव करने के बाद मत सोचे। और मुझे लगता है टाइम के साथ यहाँ पे पीएनपी के लिए थोड़ा सा अच्छा रहने वाला है। मैं ये नहीं कहता कि जो लोगों ने आउटसाइड अल्बर्टा पढ़ाई के लिए की है मतलब उनके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पे स्किल्ड स्ट्रीम्स काफ़ी मुझे लगता है और ऐड की जा सकती हैं, ठीक है। जैसे भी कोई सिटी जब भी ग्रो करती है तो उसके अंदर उन्हें चाहिए होते हैं इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कंस्ट्रक्शन चल रही है घरों की, हेल्थ केयर उन्हें एक्सटेंड करना है अपनी प्रोविंस को या सिटी को, तो बहुत सारी चीज़ें जो उन्हें सर्विसेज फैसिलिटीज़ यू नो दे हैव टू कीप अप दी सप्लाई विद द डिमांड, तो बढ़ाने के लिए यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी डाउन द लाइन। इमिग्रेशन प्रोग्राम्स खुलेंगे आने वाले टाइम में, दिस इज द ओनली प्रो दैट आई सी फॉर पीपल हु आर ऑन टेम्परेरी वीजा। बट फिर भी अभी के लिए कहना मुश्किल है कि जो लोगों ने यू नो अपनी पढ़ाई बाहर की अल्बर्टा से उनके लिए फायदा रहेगा कि नहीं रहेगा। आज की डेट में तो कोई खासा प्रोग्राम नहीं है, आज की डेट में तो आई वुड रिकमेंड यू गू एंड सी यू नो ऑप्शंस इन अटलांटिक प्रोविंसेस, बट हाँ रिसर्च करके जाएं, किसी से सुनी सुनाई बात पे ना जाएं, मेरी वीडियो देख के ना जाएं, अपने लिए देखिए आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है और आपका यू नो किस मतलब बेसिकली स्ट्रीम में काम बन सकता है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में पीएनपी के लिए शायद ऑप्शंस और खुल सकते हैं, कंसिडरिंग कि यू नो सिटी को डिमांड्स मीट करनी होगी, सप्लाई यू नो अपनी बढ़ानी होगी, उसके लिए उन्हें और स्किल्ड वर्कर्स हायर करने होंगे, ठीक है, बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशंस में, तो हो सकता है वो चीज़ें खुले, लेकिन आज के लिए तो उसके बारे में थोड़ा कहना मुश्किल है, अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अल्बर्टा ने की नहीं है। तो बस यार यही कुछ पॉइंट्स जो कि मैं शेयर करना चाहता था अबाउट सिटी ऑफ कैलगरी स्पेसिफिकली। वैसे एडमिंटन में भी आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आज की डेट में मुझे लगता है 70-80% क्राउड इज एक्चुअली कंसिडरिंग कैलगरी ओनली, ठीक है। कैलगरी के आसपास छोटे छोटे टाउन है, वहाँ पे जाने कोई फायदा नहीं है, ना वहाँ पे कोई ग्रोथ है, ना वहाँ पे कोई जॉब्स है। जिन लोगों का काम रूरल इंडस्ट्री में बनता है, यानी कि ऐसे उजाड़ जगह पे जाके पीआर मिल रही है, वो जरूर जा सकते हैं। अदर देन दैट देयर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग इनटू दो स्मॉल टाउन्स, क्योंकि 5-7 हज़ार पॉपुलेशन में आप क्या करने वाले हो, ठीक है, वहाँ पे ना इंडियन रेस्टोरेंट होंगे, ना इंडियन ग्रोसरी स्टोर होंगे, ना जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो वहाँ पे तो कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन एडमिंटन कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे आज के टाइम में मैं कहूँगा रेंटल या हाउसिंग इज काइंड ऑफ ऑलमोस्ट हाफ द प्राइसेस दैट इट इज इन कैलगरी टुडे। कैलगरी में थोड़ी मारामारी चल रही है सेम रियल स्टेट को लेकर, प्रॉपर्टीज बहुत महंगी बिक रही है, ठीक है, ओवर आस्किंग जा रहा है, बिडिंग वॉर चल रही है जस्ट लाइक टोरंटो। तो काइंड ऑफ साइंस हमें साइंस तो दिखने शुरू हो गया कि भाई टोरंटो जैसी यहाँ पे सिचुएशन बन सकती है, बाकी आने वाले टाइम में पता चलेगा। ये तो अभी की जो सिनेरियो चल रहा है मैंने आपके साथ शेयर करना जरूरी समझा। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसा आपको दिल करे। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।